हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बहादुरगढ़ के बेटे राहुल रोहेला ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। राहुल ने 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में ओलंपिक का कोटा हासिल किया। उधर रेस वॉकिंग में ही हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संदीप ने भी ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। हरियाणा के दो बेटों ने एक साथ ओलंपिक का कोटा हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। एक साथ 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में हरियाणा को दो ओलंपियन मिल गए हैं। राहुल ने हाल ही में झारखंड के रांची में हुई चौथी इंटरनेशनल और आठवीं ओपन रेस वॉकिंग में 20 किलोमीटर पैदल चल 1 घंटे 20 मिनट और 26 सेकंड में पूरी की। राहुल ने सिल्वर मेडल के साथ ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट हासिल किया है। थर्ड इंटरनेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके मैंने थर्ड में सिल्वर मेडल प्राप्त किया और 1 घंटा 21 मिनट 59 सेकंड का टाइम निकाला था और मेरा वहाँ पे एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुआ था। फिर उसके बाद कोरोना की महामारी की वजह से कंपटीशन नहीं हो पाया तो कैंसिल कर दिए गए थे। मैं जा नहीं मतलब कोई भी नहीं जा पाया, रद्द कर दिए गए थे कंपटीशन। फिर 2021 में अभी दोबारा फिर कोरोना के बाद 2021 में रांची में हुआ 8th इंटरनेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप और 8th नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप थी और इसमें मेरा फिर सिल्वर मेडल आया और इसमें 1 घंटा 20 मिनट 26 सेकंड का मैंने समय निकाला और इसमें मेरा ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई के लिए सेलेक्ट हो गया है और साथ में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेरा क्वालिफाई हो गया है।